अयोध्या युवा कांग्रेसी जनों ने आज नाथूराम गोडसे का पुतला फूका। शहर के सिविल लाइन के गांधी पार्क के बाहर फूका पुतला। वहीं उनका कहना है कि दशहरा प्रतीक है, जब भी सत्य पर असत्य हावी हुआ। देवताओं से लेकर देवरूपी मानव ने समाज में हिंसा के खिलाफ अहिंसा, बुराई के खिलाफ अच्छाई, अन्याय के खिलाफ न्याय, अनैतिकता पर नैतिकता विजय के लिए समाज को एक करने का कार्य किया। विजयादशमी की जीत के पर्व पर बुराई के पर्याय रावण के दहन के उपरांत अनेक अनैतिकता से परिपूर्ण विचारों को दहन करने का कार्य किया गया, जो समाज को विसारत कर रहे हैं। वहीं युवा कांग्रेसियों ने गुरुवार को नाथूराम गोडसे और गोडसेवादी विचारधारा का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेसी जनों का विचार है कि गांधीवादी विचारधारा, जो भारतीयता के मूल्यों अहिंसा, प्यार, सादगी, नम्रता की प्रतीक है, साथ ही समाज को एक कड़ी में बांधने का कार्य करती है। ऐसे में कुछ गोडसे के उपासक और गोडसेवादी विचारधारा के समर्थक हमारे भारतीयता की मूल भावना को चोट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए आज गोडसे और उसकी विचारधारा का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने कहा, महात्मा गांधी के विचार देश ही नहीं अपितु पूरी मानव जाति के लिए अमृत के समान है। महात्मा गांधी के विचार इस देश के मूल भावना में है। महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, जो युगों युगों तक राष्ट्र की अखंडता एवं एकता को बनाए रखेंगे। गोडसे आतंकवाद, दहशत, अन्याय और हिंसा का पर्याय है, इसलिए गोडसे का पुतला दहन किया गया। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती इस बार पूरा देश मना रहा है, और इस जयंती वर्ष में एक कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है महात्मा गांधी जो पूरे भारतीय मूल्यों को समाहित करती है खुद में, लेकिन इसके विपक्ष में एक ऐसी विचारधारा जो गोडसेवादी विचारधारा है, वो गोडसेवादी विचारधारा जो पूरे समाज में अन्याय के साथ साथ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उसी गोडसेवादी विचारधारा को अपना गोडसे और गोडसे उनकी विचारधारा को एक सांकेतिक पुतला दहन हमने उनका किया है। और हम ये बात को बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर गोडसेवादी विचारधारा के लोग उनकी कितनी प्रतिमाएँ बना लें नाथूराम गोडसे की, लेकिन गोडसे को जीवित नहीं कर सकते हैं। और महात्मा गांधी को कितनी गोली मार दें, महात्मा गांधी कितनी हत्याएं कर दें, लेकिन महात्मा गांधी हम सबके बीच अभी सांस ले रहे हैं अपने विचारों के तौर पर। ये हमारे विचारों की ताकत है, और हम ये संदेश देना चाह रहे थे कि गोडसेवादी विचारधारा, क्योंकि हमने अभी रावण का दहन किया है जो एक समाज में बुराई का एक पर्याय था, उसी प्रकार से हम ये मानते हैं कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा और नाथूराम गोडसे का जो व्यक्तित्व था, वो समाज में निश्चित तौर पर एक आतंकवादी के रूप में, एक अन्यायी के रूप में, एक कुकर्मी के रूप में, इसलिए हमने उसका पुतला दहन किया हुआ है।